शहर में धूमधाम से मनाई गई संत झूलेलाल जयंती। शोभा यात्रा में दिखा सिंधी समाज के लोगों का उत्साह। विघ्न हरे मंगल करे, करे सर्व कल्याण, घर बार रक्षा करे श्री झूलेलाल भगवान। जी हां, शनिवार का दिन शहरवासियों को कुछ ऐसा ही उद्घोष सुनने मिला। मौका था संत झूलेलाल की जयंती का। हम आपको बता दें कि संत झूलेलाल का जन्म चैत्र शुक्ल 1007 में हुआ था। सिंधी समाज के लोगों के द्वारा प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन धूमधाम से झूलेलाल जयंती मनाई जाती है। इसी तारतम्य में शनिवार को सिंधी समाज के लोगों ने शहर के जानकी पार्क से संत झूलेलाल की शोभा यात्रा की शुरुआत की, जो शहर के सभी मुख्य मार्गों से होती हुई बंबा घाट में पहुंची। इस अवसर पर समाज की महिलाओं और लड़कियों की भी भागीदारी देखने को मिली, जो स्कूटी में शोभा यात्रा में सम्मिलित हो समाज में समानता का संदेश दे रही थी। झूलेलाल जयंती है, भगवान झूलेलाल जी का जन्मदिन है और इसके उपलक्ष्य में पूर्व से ही सिंधु नाविक मंडल गवर्नर तोपखाना से स्कूटर रैली निकाली जाती रही है। उसके आज 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं आज, और उसमें हमारे संरक्षक भाई शंकरलाल साहनी जी का पूरा योगदान रहा है और उनकी एक टीम है जो इस तरीके के अच्छे काम करती रहती है। आज सिंधु समाज के लिए एक विशेष महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और स्कूटर महारैली थोड़ी देर में कोरोना तोफान से शुरू हो जाएगी। इस बार कुछ हटके किया है पिछली बार की अपेक्षा? जी, इस बार कुछ हटके कर रहे हैं। हाँ हाँ, इस बार तो हटके नहीं, आज नया तर ये है कि लड़कियाँ भी सिल्वर जुबली के हैं, गोल्डन जुबली के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं हमारे लड़कियाँ जो, और बच्चों में बहुत उत्साह है और हमारे समाज की बच्चियाँ महिलाएं भी स्कूटर रैली में शामिल हो रही हैं। ये बहुत विशेष महत्व की बात है। वो खुद ही आके बोली कि नहीं, हम लोग भी इस झूलेलाल के महोत्सव में स्कूटर रैली में शामिल होंगे। माताओं बहनों को केवल सिंधु भवन तक के लिए अनुमति दी गई है, वहाँ तक वो साथ में चलेंगे, उसके बाद हम लोग पूरे शहर का भ्रमण करेंगे।